क्या हुआ भैया? उठिए उठिए। अरे अरे बहुत खून बह रहा है। चलिए अंदर चलिए मेरे साथ, संभल के। अरे रे रे, इसका तो बहुत खून बह रहा है। लेकर आओ जल्दी जल्दी, जाकर कॉटन लेकर आओ तो। जल्दी। अरे भैया बहुत दर्द हो रहा है ना। पहले चोट पर ये लगाओ बेटा, लगाओ। भैया थोड़ा सा जलेगा, ठीक है ना, कंट्रोल कीजिएगा। जल्दी से एम्बुलेंस को फोन कर दो, इसे बहुत चोट लगी है। बिरयानी लेकर आऊंगा, लेकर आऊंगा, लेकर आऊंगा। बिरयानी 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 बिरयानी। वो येलो वाली दिखाना। हाँ हाँ वही। दादाजी कितने का? 20 रुपए का। ओके, दो ले रहा हूँ। अब वो भी दे दो ना, एक दर्जन।
दीदी, तुमने जो कुछ भी खरीदने के लिए कहा था ना, वो अनिल अंबानी की भी बस की बात नहीं है। माँ, दीदी देखो ना, मैं सब कुछ लेकर आया हूँ, तुमने मंगाया था ना। अरे कहाँ चले गए? ड्रग्स, गांजा, जाली नोट, हवाला, किडनैपिंग, ये शब्द हर दिन पेपर में बहुत कॉमन हो गए हैं। ये सब क्या हो रहा है, क्या चल रहा है? ये हमारा डिपार्टमेंट है ना, दिन ब दिन क्राइम रेट बढ़ रहा है, कम होने का नाम ही नहीं ले रहा है। जनता का पुलिस से विश्वास उठ गया है, इसलिए छोटी प्रॉब्लम आने पर भी गली के छोटे मोटे गुंडों के सामने मदद के लिए खड़े हो जाते हैं। छे, अगर ऐसा ही चलेगा तो कोर्ट और हमारे डिपार्टमेंट की क्या जरूरत है, इतनी बड़ी व्यवस्था की क्या जरूरत है? सर, हम क्या कर सकते हैं? जब हमें लोग कंप्लेंट देंगे तभी हम कुछ कर सकते हैं ना। तुम्हारा एरिया कौन सा है? राजेंद्र नगर सर। राजेंद्र नगर, यस यू आर 100% करेक्ट। कोई स्टेशन आकर कंप्लेंट दे तब ना, जब कोई कंप्लेंट देता है तो उल्टा पूछते हैं कि क्या जरूरत है इस केस की, इन्वेस्टिगेशन की, इंटरोगेशन की। इस तरह लोगों को डराकर उन्हें सेटलमेंट के लिए अमजद खान के पास भेजने वाले तुम नहीं हो क्या? सर वो स्टॉप इट, वो सब अभी बताकर अपने सामने अपनी इज्जत क्यों उतारे? यहां पर बैठे सभी को पता है कि किस तरह का बेकार काम किया जा रहा है। इनफ इज इनफ, अब सिस्टम में सुधार करने का टाइम आ गया है। 90 days ओनली, 90 days टाइम दिया जाता है, उसके बाद किसी भी पेपर वाले को क्राइम शब्द लिखने का बिल्कुल मौका नहीं मिलना चाहिए, अंडरस्टैंड? तुम लोग कैसे सुधार करोगे इस बात से मुझे किसी तरह का कोई लेना देना नहीं, लोगों का भरोसा चाहिए, अंडरस्टैंड? सर क्या करें सर, अपराध करने वालों में से 98% पैसे वाले होते हैं या अच्छी पोस्ट वाले होते हैं, उन्हें अरेस्ट करके पुलिस स्टेशन लाने के 5 मिनट बाद ही फोन आ जाता है। फोन किसका होता है आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ सर। हम लोग तो बस एक टीवी की तरह है सर, जिसका रिमोट दूसरों के हाथों में है। तो तुम्हारा क्या कहना है ये बताओ, हम कुछ नहीं कर सकते, हम क्या करें, यही ना? सर ड्यूटी हम भी करना चाहते हैं लेकिन करने नहीं देते, खासकर शहर में होने वाली इलीगल एक्टिविटीज केवल 2 गैंग्स ही करते आ रहे हैं सर। सर तौफीक खान और शंकर यादव के बारे में हमारे पास फुल डिटेल्स है, अगर आप परमिशन दे तो मैं दिखाता हूँ। कैरी ऑन। सर इसका नाम है तौफीक खान, हवाला, किडनैपिंग और गैंगवार ये सब इसके काम है। 8 बार जेल जा चुका है, ये जब भी जेल में जाता है वहीं से गैंग तैयार करता है और बाहर आने के बाद सब सेटलमेंट करता है। शंकर यादव और तौफीक खान के बीच हमेशा टकराव रहता है, शहर में इनके बहुत सारे इलीगल बिजनेस हैं,
इन दोनों के झगड़े की वजह से अब तक 70 लोगों की जान जा चुकी है। इनका सपोर्ट करने वाले हमारे राज्य के नेता ही हैं सर। शंकर यादव, तौफीक खान, जब तक ये नहीं मरेंगे शहर का भला नहीं होगा। आई नो, यू आर राइट। शहर का हर एक इलाका मेरा है, सब मेरे इशारों पर चलता है। तू, तेरा गैंग मेरी चप्पल तक साफ करने के लायक नहीं है। और तू मेरे साथ डील करेगा, तेरी औकात ही क्या है? आज मैं तेरा काम खत्म कर दूंगा। चुप कर। अरे ओ, तेरी बातें सुन रहा हूं तो मुझे एलकेजी का बच्चा समझा है? यादव, तेरे भाई को खैराबाद के सिग्नल के पास काट कर 4 मीनार तक घूमा था मैं। क्या बिगाड़ लिया था तूने? चिल्लाने से कुछ नहीं होता, करके दिखाना पड़ता है। एक चुटकी बजाते ही तुझे ऐसी मौत दूंगा कि तेरी आने वाली पुश्ते भी कांपेंगी। अरे ओ तौफीक, मुंबई में आने वाली गन्स की डीलिंग मेरी है, लोकेशन शेयर करता हूँ, जो उखाड़ सकता है उखाड़ लेना। ऐसा सोचना भी मत, नहीं तो तबाह कर दूंगा। झगड़ा मत करो, एक डीलिंग करते हैं, दोनों तरफ से एक फाइट करवाते हैं, अपना एक आदमी और तुम्हारा एक आदमी, जो भी जीतेगा डील उसकी हो गई, फाइनल। अब अपने अपने गैंग से एक एक आदमी को भेजो। अफजल। ए शिवाजी, गेम तो अभी स्टार्ट हुआ है, इधर देख। आ!
ये सब क्या है? मेरी पूरी इज्जत चली गई। शंकर शाबाश। नहीं, ये ऐसे मार क्यों खा रहा है? जैसा मैंने तय किया था मेरा आदमी जीता है। ए तौफीक, देख लिया ना, मेरे गैंग के एक आदमी का भी तुम कुछ नहीं कर पाए, इसलिए अपना मुंह बंद रखना। जल्दी तेरा काम खत्म करूंगा मैं, समझ गया ना? ए इतना तो तू जान ले, शहर तेरे हाथों के नीचे नहीं, मेरी आंखों के सामने रहता है, याद रखना। यादव, तेरे साथ तेरे गैंग का भी नाम और निशान मिटा दूंगा, वो दिन भी आएगा, याद रखना। अबे ओ उबले हुए अंडे, तूने मुझे क्या हलवा समझ रखा है? कौन रहेगा और कौन जाएगा ये टाइम तय करेगा। मीटिंग इज ओवर। ए चल, ए तौफीक। चल जा, निकल। नया एंटर हुआ है ना गैंग में, तुझे तो मैं बाद में देखूंगा। शाबाश, तेरा ये दम, तेरा कॉन्फिडेंस अच्छा लगा मुझे। मेरे गैंग को तेरे जैसा ही बंदा चाहिए। मेरी गैंग ज्वाइन करेगा क्या? वैसे तेरा नाम क्या है? अमिताभ बच्चन। अमिताभ बच्चन, देखकर तो लग रहा है कि सेंट्रल जेल से भाग के आया है, क्या बात है? देखने से भले ही निकम्मा लग रहा हूँ, लेकिन तूने बिल्कुल सही पहचाना। ड्रेस से पता चल रहा है ना कि मैं कितना बड़ा लफंगा हूँ। अब तक तो मैंने आधी ताकत इस्तेमाल की और तेरे भाई ने मुझे अपनी गैंग में ज्वाइन कर लिया। वो शंकर यादव को खत्म कर दूंगा मैं। भाई, शंकर यादव जिस डीलिंग की बात कर रहा ना, वो कल नहीं आज ही होने वाली है। अच्छा, वाह, तू कैसे जानता है? भाई ड्रेस कुछ गड़बड़ हुई तो भाई भी दिखाएंगे। मुझे बस ज्वाइन होने की देरी है, ज्वाइन हो गया ना तो सब काम कर दूंगा और उसका रिजल्ट भी दिखाऊंगा। तेरे ऊपर पूरा भरोसा है मुझे, अभी देखा ना मैंने तेरा दम। शाबाश, तू ही करेगा। तुम्हारे साथ मेरी फर्स्ट डील है, अगर काम ठीक से हुआ तो सारी डील तुम्हारे साथ। माल चला जाए, पैसा चला जाए, कोई फिक्र नहीं, लेकिन अगर विश्वास चला गया तो तुम सबकी जान भी जाएगी। ये बच्चे के खिलौने छोड़ो, इससे लेटेस्ट मेरे पास में है, बोलो तो तुम सबको एक गिफ्ट भिजवा दूं, सब एंजॉय करना। ए हटा, सामने से हटा, एक बार हमसे डीलिंग करके देखो, हम क्या है पता चल जाएगा। तुम्हारे और तौफीक के बीच में झगड़ा मैं अच्छे से जानता हूँ, हर बार तुम ही जीत रहे हो, इसलिए मैं तुम्हारे साथ डील करने आया हूँ। हमारे इस शहर में गन का कल्चर शुरू होना चाहिए, वो भी मेरे हाथों से। इन्फॉर्मर है, उसके शर्ट में देखो, कैमरा नजर आएगा। तो तूने मार क्यों दिया? हम फिर से मिलेंगे,
खुदा हाफिज। बेटी। हाँ आ रही हूँ अब्बू। ऑफिस जाने से पहले तौफीक साहब से मिलकर जाओ। हाँ अब्बू, लेकिन एड्रेस मुझे नहीं पता, आप बताओगे तो मैं मिलके आ जाऊंगी। तुम जो भी चाहती हो वो तौफीक खान को बताओ, हैदराबाद में हमारे लोगों की सिर्फ वही मदद करेंगे। मैं कैसे उनको बताऊं आपा? आपा आपा, आप जो भी कहना चाहती हैं वो सीधे सीधे कह दीजिए। अब्बू आप एड्रेस बताइए और आप लिख लीजिए। बेटी उसका एड्रेस नोट कर लो, आसिफ नगर 1-60 130/2, घर का नंबर 13। टाइप कर लिया हो तो वहाँ क्या कहना है वो मैं बताती हूँ। मैं 7 महीने से एक ऑफिस में काम कर रही हूँ, वो लोग 3 महीने से मुझे सैलरी नहीं दे रहे। इतना कहने से वो समझ जाएंगे। मेरी बात सुन लो बेटा, उनका एड्रेस पूरा लिख लिया ना, पहले जाकर उनसे मिलो। ठीक है अब्बू, मैं मिलकर आती हूँ। मुझे तुमसे एक बात पूछनी थी, तुम जेल क्यों गए? मेरी पुरानी जिंदगी जानना छोड़ो और ये बताओ तौफीक और यादव के बीच क्या झगड़ा है? फिल्म की तरह ये लोग अच्छे फ्रेंड्स थे, इसके बाद इनके बीच कोई झगड़ा हुआ क्या? इतना भी फिल्म में नहीं है, दोनों पहले से ही एक दूसरे के दुश्मन थे। एक बार उस यादव ने अपने तौफीक भाई के छोटे भाई का सर काट के 4 मीनार तक टहलते हुए गया था, तभी तौफीक भाई ने उसे मारने का प्लान कर लिया था, लेकिन कुछ भी नहीं हो पाया, वो यादव का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाए। मैं आ गया हूँ ना, वो यादव मर गया समझो। एक्सक्यूज मी, आप मुझे जरा ये एड्रेस बताएंगे प्लीज? अमिताभ बच्चन, वो किसी और का एड्रेस नहीं बल्कि तौफीक भाई का एड्रेस पूछ रही थी, चलो ना। सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम। आओ बेटी, कैसे आना हुआ? ऑफिस में कोई प्रॉब्लम है क्या? जॉब ठीक से चल रहा है ना, या किसी ने तुम्हें परेशान किया है? बोलो। नहीं भाई, वो बात नहीं है। तुम्हें पैसे चाहिए क्या? नहीं भाई, मुझे ऑफिस से 3 महीने से सैलरी नहीं मिली। मांगने पर मुझसे बहुत रूड बिहेव किया और कहा जिसको बोलना है बोलो। क्या करूं समझ नहीं आया, इसीलिए आपके पास आ गई। ए सलीम, जाकर उसके हाथ पैर तोड़ कर आ। भाई भाई, मैं जाऊं क्या भाई? मैं बताऊंगा कि मैं क्या चीज हूं। नए लोगों को भी मौका दे दो ना भैया प्लीज। ठीक है ओके भाई, मैं चलती हूँ, खुदा हाफिज। आपका नाम क्या है? बताना जरूरी है, चुपचाप काम करो। काम करने के लिए नाम, एड्रेस और फोन नंबर ये सब पता ही होना चाहिए ना, क्या कहती हो? जरूरत नहीं, बाद में बताऊंगी। ठीक है। Thank you.
यहाँ क्यों रुक गए? असल में जो कुछ भी हुआ ना वो पहले से आखिर तक मुझे पूरा बताओ, तभी तो क्लैरिटी होगी। और उसके बाद क्या करना है, कैसे करना है, वो सब मैं सोचूंगा। वो सब जानने की जरूरत नहीं, 3 months की सैलरी चाहिए, बस उतना ही काफी है। वही तो, 3 महीने की सैलरी कितनी है बताओ? असल में 1 महीने की सैलरी कितनी मिलती है ये बता दो, मैं हिसाब लगा दूंगा। 1 month 20,000, for 3 months 60,000। सिर्फ तुम्हारी सैलरी नहीं दी या बाकी किसी की भी? सबको सैलरी मिल गई है, सिर्फ मुझे ही नहीं मिली है। सिर्फ तुम्हारी नहीं दी? मुझे इसमें कोई तो गड़बड़ लग रही है। ठीक है, एक काम करते हैं, अभी तुम जाओ अपना फोन ऑन रखना, वहाँ जो भी हो रहा है वो मैं पता लगाता हूँ, उसके बाद एंट्री कब करनी है मैं डिसाइड करूंगा। बैठ जाओ। जब से देखा है मैंने तुझको, चिक चिक चल्लम, चिक चिक चल्लम, चिक चिक चल्लम, आ चल्लम। ये रात है वो रात थी, वाह, ये गाना सुनते ही मेरे शरीर का हर अंग डांस करने लगता है। क्या मस्त गाना लगता है यार, बार बार यही गाना सुनने को मन करता है। छे यार, इतनी उम्र हो चुकी है मेरी, लेकिन अंदर की इच्छाएं बिल्कुल मरने का नाम नहीं ले रही। असल में जब मेरा इस उम्र में ये हाल है तो तुम्हारी हालत कैसी होगी? एक बार देखने का मन कर रहा है। दिखाओगी क्या? एक बार दिखा दो ना प्लीज। व्हाट एक्सप्रेशन? एक्सप्रेशन की बात कर रहा हूं मैं। वैसे आने को मना की थी ना, फिर क्यों आई हो? सर सर प्लीज गिव माई 3 months सैलरी, देन आई विल गो। तुम चली जाओगी ऐसा तुम बार बार कहती रहोगी, और मैं आओ आओ कहता ही रहूंगा। आ जा मेरे पास, आ जाओ मेरे पास बेबी, आ जाओ ना, अब आ भी जाओ ना। बुलाया मैंने, समझ गई ना? समझ तो गई होगी। देखो बेबी, तुम जितना मेरे पास आओगी तुम्हारे पैसे उतना ही तुम्हारे पास आएंगे, तुम जितना मुझसे दूर जाओगी तुम्हारे पैसे उतने ही दूर जाएंगे। अब सब तुम्हारे हाथों में है। मेरे हाथों में रख दो बेबी, रख भी दो ना। सर मैं आपके इंटेंशंस अच्छे से जानती हूँ, लेकिन आप जैसा सोच रहे हैं मैं वैसी लड़की नहीं हूँ। सर मेरे घर पर बहुत प्रॉब्लम है, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड सर, प्लीज मेरे पैसे दे दीजिए। अगर पैसे चाहिए तो तुम जानती हो कि तुम्हें क्या करना है बेबी। मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से हूँ सर, प्लीज। देखो बेबी, तुम्हारे घर में प्रॉब्लम है और इधर मेरे शरीर में प्रॉब्लम है। तुम्हें जिस तरह मनी चाहिए उस तरह मुझे हनी चाहिए। मेरा हनी तुम्हारे पास ही है, आओ दे दो मुझे हनी, आओ दे दो, आओ। आ रहा हूँ, बहुत जोर से देने के लिए आ रहा हूँ। बच के रहना रे बाबा, बच के रहना रे, बच के रहना रे बाबा। बेबी अब आ जाओ ना। मैं आ गया सर। तू कौन है बे? तुझे अंदर किसने आने दिया? अरे तुमने ही तो बोला ना आ जाओ, देने के लिए आया हूँ, क्या लेना पसंद करोगे? तू क्या देगा बे, तेरे पास है ही क्या? ओहो, तो ये सब तेरा स्क्रीन प्ले है। अब देख तेरे स्क्रीन प्ले का कैसा डायरेक्शन करता हूं मैं। ए, मेरा बैकग्राउंड क्या है तुझे पता भी है? RGB को रक्त चरित्र की स्टोरी देने वाला मैं ही हूँ। टाइटल उसने रख लिया। मेरा खानदान किसी का रक्त निकालने से पहले जरा भी नहीं सोचता। भाई भाई भाई, भाई मुझे माफ कर दो भाई, भाई मुझे अपनी माँ की याद आ रही है। भाई भाई I'm so sorry, आपका इतना बड़ा होगा मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था भाई। ये क्या है बे, असल में इंसानी है ना तू? ऐसा लग रहा है अभी अभी जन्मा है तू। इसकी एंडिंग पता नहीं कहां तक होगी। सिस्टर मैसेज चेक कर लो सिस्टर, ऑलरेडी इंटरेस्ट के साथ आपको मनी ट्रांसफर कर दिया है।
मेरे शरीर में बहुत प्रॉब्लम है सिस्टर। ज्यादा प्रेशर करोगी तो लगता है शुगर भी बढ़ जाएगा। ए, जरा मेरा भी तो पकड़ ले। पैर भी थोड़ी सी धूल बैठ गई है ना उस पर, साफ कर दे। सर आपके पास तो बहुत काम होगा ना, सिग्नल भी दे रही है ना सर, तो अपना काम करो ना सर, आप जाओ ना यहाँ से सर। तू तेरा डमी औजार, तेरी डमी स्टोरी, दोबारा ऐसी हरकत की ना तो कौन सा औजार तोड़ूंगा, ये तो खुद ही समझ ले। चलता हूँ अभी। बस यही फर्स्ट फ्लोर। अरे आइए ना, अब्बू और आपा से मिलाती हूँ। बेटी हा? कौन है ये? अब्बू, तौफीक भाई ने इन्हें ही मेरी हेल्प के लिए भेजा है। इन्होंने मेरी हेल्प की और 3 महीने की सैलरी भी दिलवा दी। बहुत बहुत शुक्रिया बेटा, अल्लाह तुम पर रहम करेगा। तुम्हारा नाम क्या है? अमिताभ बच्चन। वाह, अच्छा नाम है, पूरी दुनिया इस नाम को जानती है। अरे आप लोग खड़े खड़े बातें कर रहे हैं, आप बैठिए मैं चाय लेकर आती हूं। अरे रहने दीजिए, आपका प्यार ही काफी है, अगली बार आऊंगा तो खाना खा कर ही जाऊंगा। बहुत ही अच्छा लड़का है। अमिताभ बच्चन है वो। इस वीकेंड दुबई जाना होगा, टिकट बुक करके रखो, और अगर कोई भी फोन करे तो बोलना हेल्थ प्रॉब्लम है। सर एक टिकट या दो टिकट? दो? मैंने दो के लिए कहा क्या? सर सर थोड़ा वो कुछ पर्सनल है सर। सॉरी सर, मैं बाद में आता हूँ। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आप बैठिए। बोल। सर वो अपनी हीरोइन आई है ना, उसी के बारे में, उसने फोन किया है कि वो खाली है, उसे मिलाकर 2 टिकट करा दूं क्या? अच्छा ये बात है। हाँ बात तो सही है, करेक्ट है। हाँ सर कर दो। दोबारा अगर फिल्म मीट हुई ना तो उसके साथ तेरी फोटो खिंचवा दूंगा। ओके सर, ओके। तो बोलिए कमिश्नर जी, लगता है आजकल पुलिस वालों में देशभक्ति बढ़ गई है, कहीं आप मेरे राज से पर्दा उठा के मुझे जेल के अंदर पहुंचाने का सोच रहे हो क्या? सॉरी सर, इस बार डिपार्टमेंट बहुत कठोर रास्ता अपना रहा है, गलती करने वाले और उनका सपोर्ट करने वाले कोई भी हो उन्हें कानून के हिसाब से चलना होगा। अरे वाह, प्रवचन सुने हुए बहुत दिन हो गए थे, आलतू फालतू बातें इतनी सुन चुका था कि अच्छी बातें कानों में जा ही नहीं रही थी। मेरी बात सुनिए, आपको मुझे और जनता सबको पता है कि आजकल के नेता कैसे रहते हैं, क्या खाते हैं, जनता देख के भी अनदेखा कर देती है, फिर आपको क्या पड़ी है सर? ये सब कुछ छोड़ दीजिए और सुकून से रहिए सर, और अगर कुछ चाहिए तो मुझे बताइए। समझ में आ गया सर, बट आई एम सॉरी। मैं जानता हूँ आप मेरी मदद नहीं करेंगे, आप किसी छोटे मोटे इंसान को अंदर डाल के अपना पैसा बना लेंगे, लेकिन मेरी हेल्प करने वालों में से 2 लोग हैं, उनसे पंगा मत लीजिएगा। सॉरी सर, भले आप मेरा ट्रांसफर कर दें, लेकिन अब मैं किसी को छोड़ने वाला तो बिल्कुल नहीं। मैंने जो बोला वो आपको शायद समझ में आ गया होगा। मैं जानता हूँ सर आप बहुत सिंसियर हैं, आप किसी के काम नहीं आएंगे। क्या लोगों को पता नहीं है कि मैं लफंगा हूँ? फिर भी लोग मुझे वोट देते हैं ना, और मैं हर बार जीतता हूँ, क्योंकि दूसरा ऑप्शन ही नहीं है सर। ऑपोजिशन में 10 लोग हैं, लेकिन सबके सब लफंगे हैं। अब ऐसे में किसी एक को तो चुनना है, इसलिए मुझे भले इंसान को चुन लेते हैं। सर यहाँ पे जनता ही भगवान है, वही हमें जिताती है, जीतने के बाद भले ही उन्हें भूल जाओ लेकिन फिर भी वो जिताती है। सर हर अवतार के मौके पर भगवान ने राक्षसों का अंत ही किया है सर। एनीवे थैंक यू, चलता हूं मैं। ये किसी के आगे झुकने वाला नहीं है।
कमिश्नर बहुत ही स्ट्रिक्ट है, होम मिनिस्टर ने बताया। नो अरेस्ट, सीधे एनकाउंटर करता है। अपने सारे लोगों को इन्फॉर्म करो, मैसेज फॉरवर्ड करो, सबको अलर्ट रहने के लिए बोलो। नए लोगों पर भरोसा करके कोई काम मत देना। अपने पुराने गैंग के कुछ लड़के बाहर चले गए हैं, उन लोगों पर नजर रखो, ठीक है? वो कितना भी स्ट्रिक्ट क्यों ना हो, वीकनेस तो जरूर होगी, मौके का इंतजार करते हैं। उसकी जरूरत नहीं है, सीधे होम मिनिस्टर के यहाँ से कॉल आया है। समझ में नहीं आया क्या? इस सिचुएशन में छोटा गेम खेलते हैं, प्लान के हिसाब से पूरे यादव गैंग को ऊपर भेज देते हैं, अपने लोगों के जरिए नहीं, दूसरे लोगों के जरिए। फिर शक की सुई उस यादव की तरफ घूम जाएगी, वो कमिश्नर यादव को ही उठा लेगा। इस अमिताभ बच्चन का क्या करेंगे भाई, यादव को मारने के लिए बोला लेकिन उसने कुछ नहीं किया। अरे उसको बाद में देख लेंगे, जो मैंने तुम्हें लिस्ट दी है उसका काम पहले देखो, समझा? ठीक है भाई। अरे हाँ ठीक है ठीक है, तुम टेंशन मत लो, जल्दी आ जाऊंगा। हाँ सर, शहर में हुए सभी 8 मर्डर और उससे संबंधितों की फाइल है सर। जितने भी लोग मरे हैं सभी तौफीक गैंग के हैं सर, और उन्हें मारने वाले बिहार गैंग के हैं ऐसा शक है। इंक्वायरी की सारी डिटेल्स इस फाइल में है सर, एक बार आप इसे देख लीजिए। यस। इस फाइल की क्या जरूरत है, मरने वाली आम जनता तो नहीं थी ना? बहुत बार जेल जाने के बाद फिर से मर्डर और बलात्कार करने वाले बदमाश हैं, मारने दो इनको, वापस में लड़कर मरेंगे तो हमारे लिए भी अच्छा है और देश के लिए भी अच्छा है। सर प्रेस वाले पूछ रहे, अब उन्हें क्या जवाब दे सर? ये प्रेस वाले जो हैं मासूम लोगों के मरने पर सवाल नहीं उठाते हैं, लेकिन जब धरती के बोझ मरते हैं ना तब माइक पकड़ के हमला बोल देते हैं। सर तो चाहे बता दो, बोल दो कि हम लोग इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, बाद में बताएंगे। सर बाकी के गैंग का क्या करना है सर? पकड़े जाएंगे, क्योंकि भूखा शेर तो अभी एंटर हुआ है, भूख मिटने तक पीछा करना नहीं छोड़ेगा। एनीवे तुम जाओ। यस सर। यादव, शंकर यादव, नाइस गेम, प्लान हमारा और फल तुम्हारा, ऊपर से अनजान बनकर भाई को ही गन दिखा रहे हो ना, वाह क्या गेम खेला है शंकर यादव। ये क्या बकरा है तू? हाँ भाई, मरने वाले 8 लोग थे, सारे अपने ही लोग थे, मारा भी हम लोगों ने ही और मरे भी हमारे ही लोग, और उसका प्लान करने वाले भी तो आप ही हो ना भाई। ये क्या बकवास है भाई, यहाँ पर बकरा भी हमारा और बिरयानी भी हमारी, लेकिन खाने वाला है अकेला शंकर यादव। तौफीक के गैंग में नया आया था तब मैंने इसे हल्के में ले लिया, बहुत दिमाग है इसके पास। इतना सब बता दिया ना, क्लाइमेक्स भी बता दे। भाई वो तुमने जो प्लान बनाया था ना वो लीक हो गया, तुम्हारे सामने जो खड़ा है उसने बहुत अच्छी चाल चली, तुमने जिनको मारने के लिए फोटो भेजी थी उनकी फोटो बदल कर हमारे ही लोगों की फोटो दे दी, तो मारने वालों ने किसे मारने जा रहे हैं वो नहीं देखा, बस फोटो देखी और सीधे उसको मार दिया, इसलिए मरने वाले सारे हमारे ही लोग थे भाई, यही हुआ था। तूने इतना बड़ा धोखा दिया यादव, मेरे हाथों से तेरी मौत ज्यादा दूर नहीं है। ए तौफीक,
चिल्लाने से कुछ नहीं होता। होता है। अब हम लोग करेंगे और तुम लोग सिर्फ देखते रहोगे। असल में तुम भले ही सोच सकते हो कि कल तुमने शुरू किया था, लेकिन ये खेल शुरू करने वाला भी मैं और खत्म करने वाला भी मैं। एक एक करके नहीं करूंगा, बल्कि एक ही बार में सबको जलाकर भस्म कर दूंगा। याद आओ, ये बच्चों वाली प्लानिंग बचपन में कच्चा पहन के बहुत करता था। कर ले, जितना प्लान करना है कर। तेरा प्लान मेरा कैसे बनेगा, मुझे बस इस पर ध्यान देना है। मैं भी यही चाहता हूँ। तुझे समझ में नहीं आएगा कि खेल कौन सा है, कौन बैटिंग कर रहा है और कौन बॉलिंग कर रहा है। एक अच्छा खेल कैसे खेलते हैं वो मैं तुझे सिखाऊंगा। शाबाश यादव, तेरी आंखों में डर दिखाई दे रहा है और मुझे एकदम क्लियर दिखाई दे रहा है। अरे अमिताभ बच्चन, ग्राउंड में मिलते हैं, बैटिंग किसकी और बॉलिंग किसकी वही तय करेंगे। जा बे जा। शाबाश शाबाश। ऐसे काम नहीं चलेगा, एटलीस्ट कुछ तो करना पड़ेगा। अगर ऐसा ही चलता रहा तो पार्टी डूब जाएगी। और तुम लोग क्या कर रहे हो? तुम सबकी आंखें बंद हो गई हैं। जनता तुम्हें वोट नहीं देगी ना तो तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी। एक बात तो सच है, अब जनता पूरी तरह से जागरूक हो चुकी है। धर्म और जाति के नाम पर वोट पाने वालों को अब जनता बिल्कुल भी वोट देने के लिए तैयार नहीं है, समझ गए? तौफीक भाई, भाई भाई, ये क्या सुबह सुबह भैया बोलकर तुम यहाँ मुझसे मिलने आई हो? हाँ मिठाई। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ओहो, इतना खुश मत हो, ये तुम्हारे लिए नहीं भैया के लिए है। अच्छा, हेल्प की मैंने और स्वीट्स भैया के लिए, मेरे लिए कुछ नहीं। घर में तुम्हारे और मेरे अलावा और दूसरा कोई भी नहीं है। इतनी इन्फॉर्मेशन काफी है ना, या कुछ और चाहिए? जरूरत नहीं, मैं बाद में आती हूँ। अरे बार बार क्यों आओगे तुम, बस मुझे दे दो, मैं उन्हें दे दूंगा। ठीक है, तुमने बिल्कुल करेक्ट कहा। तुम लड़कियां कुछ भी सीधे सीधे क्यों नहीं करती? तुम लड़के भी तो सीधे सीधे नहीं पूछते। हम तो सीधे सीधे ही पूछते हैं, पर तुम नजरअंदाज करती हो। भले ही हम नजरअंदाज करते, लेकिन हमारी हरकतें साफ साफ बताती हैं, पर तुम ही नहीं समझ पाते हो। अरे वो हरकतें समझ कर ही तो हम लोग हाथ थाम लेते हैं। भाई अब तो रमजान आने ही वाला है और इस बार रमजान को पूरे शहर में धूमधाम से करेंगे भाई। सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम। तुम आ गए मतलब मेरे पुराने दिन वापस, बहुत खुशी हो रही है मुझे। आप खुश नहीं है भाई, मुझे पता है। वो शंकर यादव आजकल आपको बहुत ज्यादा परेशान कर रहा है, उसे बिल्कुल मत छोड़ना भाई। आपके छोटे भाई का सर काट के चार मीनार तक घुमाया गया, उसको छोड़ेंगे नहीं भाई। हाय, आज से हमारे अच्छे दिन शुरू हो गए भाई। तू कौन है बे? भाई की गैंग में नया है क्या? अमिताभ बच्चन अपना ही आदमी है, वो शंकर यादव को मारने का प्लान बना रहा है। कुछ दिन पहले धमकी दी थी, अपना ही है, हिम्मत वाला। बहुत दिन से मैं जेल में था ना, थोड़ा एंजॉय कर रहे हैं। हमारे गैंग का यही तो सिस्टम है, जिस भी घर में गए रेप करके एंजॉय किया और मर्डर कर दिया। किसी को भी अपना शिकार बना लिया। या खुदा। सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम भाई। जेल से आया हुआ हमारा गैंग एक घंटे के अंदर आपके सामने होगा भाई। भाई रमजान के दिन हमारे पुराने लोग रिलीज हुए हैं, अब इस बार तो शहर में आपको मारने वाला कोई मर्द है ही नहीं। आप समझो शंकर यादव का काम तमाम। ईद मुबारक भाई। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। ईद मुबारक भाई। वालेकुम अस्सलाम।
नहीं मिला होगा। टेंशन क्यों लेता है? अरे क्या करूं, तेरा भाई अभी जिंदा है समझा क्या? अरे छोड़ना क्या भाई, मत ले पी। ठीक है बस ये मेरा लास्ट है। एक बोतल और ला दे। हाँ पिलाया। ए जाके सिगरेट लेके आ। ए मैं लेकर आता हूँ ना। जेल से पुराना गैंग छूट चुका है, अब आपको कोई नहीं रोक सकता भाई। उस शंकर को मार डालेंगे। तौफिक भाई जिंदाबाद। तौफिक भाई जिंदाबाद। तौफिक भाई जिंदाबाद। तौफिक भाई जिंदाबाद। अब सिर्फ मैं ही रहूंगा। शंकर यादव का खेल खत्म। तौफिक खान तेरा खेल खत्म। रे बाबा बाहर जाके उसको। मेरे इलाके में आके मेरे ही आदमी को मारता है, चेहरा तो दिखा। कौन है देखना चाहता है? देखकर सह पाएगा क्या? दम है क्या तुझमें देखने का? फिर भी तुझे देखना ही पड़ेगा, चल देख। अमिताभ बच्चन तू है? अमिताभ बच्चन नहीं बे, मैं कौन हूँ तू जानता है? जानता भी है? पहले जेल से छूटे हुए अपने गैंग को देख ले। मेरा अगला टारगेट कौन है बताऊं क्या? सुनना चाहता है? सुन।
गंजा सप्लायर अमरदेव का रामदास, बच्चों को किडनैप करने वाला हकीम पेट का सलीम खान, लड़कियों को होटल में बेचने वाला सनत नगर का दद्दू मल्लेश, ब्याज वसूलने वाला कादर भाई, जाली नोट प्रिंट करने वाला हकीम पेट का यादव, जमीन कब्जाने वाला पहलवान, माफिया के साथ लिंक रखने वाला पट्टा का अख्तर, दुबई शेख को लड़कियां भेजने वाला अफजलगंज का शाहिद खान, किडनी का बिजनेस करने वाला चार मीनार का अफजल खान, मजदूरों के पास हफ्ता वसूल करने वाला रहमत नगर का रजाक, गुंडागर्दी करने वाला चांद घटला का अफीम खान, चैन स्नैचिंग करने वाला बरकट का मल्लेश, रातों को घर पर घुसकर चोरी करने वाला सिकंदराबाद का राम यादव, और उनके साथ तुझे भी मार कर तेरे खून से देवी माँ का अभिषेक नहीं किया ना तो मेरा नाम भी देवराज नहीं। इतने दिनों तक हंसी मजाक से तुम्हारे साथ रहती थी, मैं तो हंसी खुशी तुम्हारे साथ अपनी पूरी जिंदगी बिताने के बारे में सोच रही थी, लेकिन अब तो तुम्हें देखने से भी डर लग रहा है। अब तक मैंने तुमसे कुछ भी नहीं पूछा, पर अब आगे क्या करने वाले हो और उन लोगों को क्यों मारा? मैंने तुमसे प्यार किया है, मुझे बताना होगा अब आगे क्या करना चाहते हो। भाई आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। चलिए, वो तौफीक खान और उसके लोग हमें ढूंढ रहे हैं भाई, हमें निकल जाना चाहिए यहाँ से। क्या तुम में मैनर्स नहीं है? हम दोनों बात कर रहे हैं ना, तो तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जाओ यहाँ से। भाई को छोड़कर तुम भले ही रह सकती हो, लेकिन मैं भाई को छोड़कर एक पल भी नहीं जी सकता। मानता हूँ कि तुम भाई को पसंद करती हो, उनसे शादी भी करना चाहती हो, लेकिन भाई के बारे में जान लो, मैं सब कुछ बताऊंगा। नहीं मोहन, इसने जो पूछा उसमें गलत क्या है भाई? तुम पर इसने भरोसा किया, तुमसे प्यार भी किया है। पूछने कहा किसे नहीं तो किसे होगा भाई? हमारा भाई कितना खुश रहा करता था पता है? माँ बाप भाई बहन सब लोग थे, घर में बहुत रौनक थी, सब बहुत खुश रहा करते थे, सामने वाले की तकलीफ को अपनी तकलीफ समझते थे। आपके साथ रिश्ता जोड़ना हमारी खुशनसीबी है। हाँ तो थैंक यू। नो थैंक्स। बेटा तुम्हें हमारी बेटी पसंद आई ना? आपकी बेटी मुझे बहुत पसंद है, पर पता नहीं उसे मैं पसंद हूँ या नहीं। एक बार भी नजर उठाकर इन्होंने मुझे नहीं देखा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है मैंने इन्हें पहले भी कहीं देखा है। देखने की जरूरत ही नहीं है, हमने उस दिन बस स्टॉप पर पहले ही सब कुछ देख लिया। उस दिन रोड पर? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। उस दिन बस स्टॉप पर हमने एक प्रैक्टिकल किया था, इस मोहन की शक्ल देखकर आपको कुछ याद आ रहा है? जरा ध्यान से देखिए। हेलो, कहाँ पर हो तुम? मेरी गाड़ी का पेट्रोल खत्म हो गया है, मैं तुम्हें व्हाट्सएप लोकेशन शेयर कर रहा हूँ, जल्दी आ जाओ। अच्छा मैं फोन रखता हूँ, ठीक है? समझ गया ना? बाय। समझ में आ गया ना? जब तक हमें आउटपुट नहीं मिलता ना, तुझे अच्छी एक्टिंग करनी पड़ेगी। जब देखोगे ना भाई, तो मेरी एक्टिंग को ऑस्कर देने का मन करेगा। ओवर एक्शन कहते हैं, जितना बोला है उतना कर, चल जा। हाँ। जा ना। ठीक है। याहू, ला 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 ला। या, या। सुपर लग रही हो, नंबर दोगी क्या? रात को वीडियो कॉल करेंगे। दीदी एक्टिंग एक्टिंग, मेरा साथ दो ना। नहीं दोगी तो मैं KGF मूवी की टिकट लेकर आता हूँ, चलोगी ना? छी, इडियट। क्यों नहीं चाहिए क्या? तो फिर किसी पार्क में चले क्या? नहीं तो कोई होटल बुक करूँ क्या? अरे कुछ तो बोलो ना, मैं रुक नहीं पा रहा हूँ। hey, तुझे शर्म है कि नहीं? ये तेरी बेटी जैसी है, पब्लिक प्लेस में छेड़खानी करता है, तेरी तो लड़की छेड़ेगा। बस ऐसे ही जानबूझकर कर रहा हूँ। तू जानबूझकर कर रहा है, मुझे पता है, समझा? झूठ बोलता है, झूठ बोलेगा, तेरी इतनी हिम्मत, लड़की छेड़ेगा। तेरे जैसे ही लफंगे के लिए हमारी टीम इस शहर में काम कर रही है। ऐसा है क्या? समझ गया। बाप रे, अब तो मुझे निकलना होगा। भागो। याद आ गया ना? हे, उस दिन बस स्टॉप पे लड़की तुम ही छेड़ रहे थे ना?
स्टूपिड, यहाँ क्या कर रहे हो? क्या है? रुको रुको, किसी और को नहीं बल्कि इसने हमारी दीदी को ही छेड़ा। दरअसल ये बस बेचारा एक्टिंग कर रहा था, और इस कहानी का स्क्रीन प्ले और डायरेक्टर सब कुछ मैं ही हूँ, प्रमोशंस मेरी दीदी। ये सब अभी क्यों बता रहा है? तुमने तो कहा था ना शाम को बियर और बिरयानी खिलाओ। ये सब क्या है? तुमने ये सब क्यों किया? ओहो, अब मैं समझा। सॉरी, मैं बताता हूँ। घर में मेरे कैरेक्टर का पता कैसे चलेगा, इसीलिए इन्होंने प्लान किया जिससे मेरे कैरेक्टर का पता लगा सके। सही कहा ना मैंने? हाँ हाँ, कितने समझदार हो आप तो मुझे बहुत पसंद आए। तुम्हारी पसंद से फर्क नहीं पड़ता, इनको आना चाहिए। बस हमारी शॉर्ट फिल्म तो सक्सेस हो गई है, इसलिए मैं जरा जीजू से बात करना चाहता हूँ। जीजू, मेरी दीदी के बारे में एक बात बतानी है। आपको कभी गुस्सा आ जाए और मेरी दीदी को डांटने का मन करे तो मन चाही भड़ास निकाल लेना। जब मारने का मन करे ना तो जानवरों की तरह मारना भी। मेरा बदला आपको ही लेना है जीजू। ये घर से कब बाहर निकले हम बस इसी की राह देख रहे हैं जीजू। अब बहन है इसलिए सहन कर रहा हूँ, लेकिन इसका ओवर एक्शन बिल्कुल भी सहा नहीं जाता है जीजू। जीजू, आपको कभी दारू पीने का मन करे ना तो मुझे बता देना, मैं लेकर आऊंगा, जितना चाहे पी लेना। आपको गुस्सा दिलाने वाला कोई भी काम इसने किया ना तो बेरहमी से इसका गला पकड़कर बाहर निकाल देना, भले ही बारिश का ही मौसम क्यों ना हो। डांटने और मारने में बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज मत करना जीजू, आपसे कभी कोई कुछ भी नहीं कहेगा। जीजू, लेकिन जब मेरी दीदी के साथ आप ये सब करोगे तब एक बार हमारी शक्ल जरूर याद कर लेना। पापा, मेरी माँ और मैं, हमारी दीदी के साथ कुछ भी हुआ तो हम सब जीते जी मर जाएंगे जीजू। उसके साथ भले कुछ भी हो जाए हम ये सह नहीं पाएंगे जीजू, कोई जी नहीं पाएगा। वो हम सबकी जान है जीजू। तुम्हारे प्यार के बारे में कहने के लिए मेरे पास कोई शब्द नहीं है। पापा, दीदी के लिए एक लव लेटर आया है। प्रिया, जब से मैंने तुम्हें देखा है मेरी तो नींद उड़ गई है, और जब भी मैं रात को अपनी आंखें बंद करता हूँ ना तो सपने में बस तुम्हारा ही रूप दिखाई देता है, इसलिए मैं ज्यादा सो नहीं पा रहा हूँ। सुपर लिखा है, पोएट्री अद्भुत है, 100 में से 105 मार्क दूंगा, कह देना लड़के को। पता है मैं तुम्हारे लिए कितना पागल हूँ? सच में मैं पागल हूँ कहकर मेंटल हॉस्पिटल में 4 बार भर्ती हो चुका हूँ। तुम्हारी मुस्कुराहट देखने के बाद असल में जिंदगी 100 साल की ही क्यों होती है, बल्कि 1000 साल होनी चाहिए तो अच्छा लगता। सच में बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, और आखिर में एक बार नहीं लाखों बार कह रहा हूँ, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। एक और लव लेटर, सुपर, आई एम इम्प्रेस्ड। अरे रुक 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 रुक, ये ले जाते। अरे देना। हेलो रोमियो। अरे डर क्यों रहा है? कल तूने जो लव लेटर लिखा वो पढ़ा मैंने, सुपर्ब है, बहुत बढ़िया लिखा है, हमारे घर में सभी को बहुत पसंद आया। आजा कॉफी पीते पीते बात करते हैं, आजा ना। ऐसे और कितने दिन लव लेटर लिखेगा तू? मैं अपनी बहन से ही परिचय कराता हूँ, मेरी बहन को तुम जैसे लड़के बहुत पसंद आते हैं। ठीक है, प्यार करने वालों को कभी डरना नहीं चाहिए। माँ, पापा, कौन आया है देखो तो सही। कौन है ये लड़का? अरे भाई, कल जिसने बहन को लव लेटर लिखा था ना, ये वही तो रोमियो है। ओ, तो तुम ही हो क्या? वो तुम्हें नींद क्यों नहीं आ रही, उसके बारे में तुमने जो लिखा था ना, सुपर था। बेटी, जरा कॉफी लेकर आओ। अच्छा सुनो, तुमने प्यार के लिए 1000 साल कहा ना, वाह, मेरे दिल को छू गया। बैठना यार। आओ बैठो। क्या करते हो बेटा, तुम्हारे माता पिता क्या करते हैं?
सब अभी पूछ लोगी क्या? पहले कॉफी तो पीने दो। लो ना। ये लो। हिचकिचाओ मत, पियो बेटा। पियो यार। पियो। पियो। माता पिता क्या करते हैं? मेरी माँ हाउसवाइफ है और मेरे पापा किराना की शॉप चलाते हैं। मैं इंटर सेकंड ईयर की पढ़ाई कर रहा हूँ आंटी। तुम्हारे प्यार को सम्मान दे रहा हूँ, बहुत अच्छा लिखा था। ज्यादा से ज्यादा तुम्हारी उम्र 19 साल होगी, इस उम्र में प्यार करना गलत नहीं है, पर वो बड़ी गलती नहीं बननी चाहिए, वरना वो जिंदगी बर्बाद कर देती है। एक बार इस बारे में सोचो, अगर तुम सही उम्र में प्यार करोगे तो मैं मना नहीं करूंगा, पर मेरी बेटी की उम्र 23 साल है और तुम्हारी 19 साल है। कितना मासूम प्यार है तुम्हारा। मैं ये नहीं कह रहा कि तुम्हारा प्यार गलत है, लेकिन ये सच्चा प्यार होने की उम्र तो बिल्कुल नहीं है। जल्दबाजी में आकर बहुत कुछ गलत हो गया है, ये सभी जानते हैं। तुम्हें अपनी जिंदगी को ऐसे बर्बाद नहीं करना चाहिए। और तुम कह रहे हो कि अपने माता पिता के इकलौते बेटे हो, उन लोगों को तुमसे कितनी उम्मीदें होंगी। देखो बेटा, माता पिता अपने बच्चों पर कितना प्यार बरसाते हैं, ये तुम नहीं समझोगे। सॉरी अंकल, गलती हो गई, मुझे माफ कर। अरे रे, ऐसा क्यों कर रहे हो? उठो उठो, तुमने कुछ भी गलत नहीं किया है। हमारी बेटी की शादी तय हो गई, एक हफ्ते बाद शादी है। कुछ गलत करने से पहले अपने माता पिता का चेहरा जरूर याद कर लेना। रो मत बेटा, तुम भी मेरे बेटे जैसे ही हो, तुमने कुछ गलत थोड़ी किया। मेरे बेटे को देखो, लव लेटर तक लिखना नहीं आता। मुझे इसकी तरह लव लेटर लिखना तो बिल्कुल भी नहीं आता। हम जानते हैं। तू मेरी पूरी फैमिली को भाग गया है। अरे क्या हुआ भैया? उठिए उठिए। अरे अरे, बहुत खून बह रहा है। चलिए अंदर, चलिए मेरे साथ, संभल के। माँ, माँ, पापा, माँ। अरे रे रे, इसका तो बहुत खून बह रहा है। लेकर आओ जल्दी, जल्दी जाकर कॉटन लेकर आओ तो। जल्दी। अरे भैया, बहुत दर्द हो रहा है ना। पहले चोट पर ये लगाओ बेटा, लगाओ। भैया थोड़ा सा जलेगा, ठीक है ना, कंट्रोल कीजिएगा। जल्दी से एम्बुलेंस को फोन कर दो, इसे बहुत चोट लगी है। बेटा,
हेलो, टाइम आउट की बिरयानी लेकर आऊंगा, लेकर आऊंगा, लेकर आऊंगा बिरयानी, 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 बिरयानी। वो येलो वाली दिखाना। हाँ हाँ वही। चुप चुप कर। दादाजी कितने का है? 20 रुपए का। ओके, दो ले रहा हूँ। अब वो भी दे दो ना, एक दर्जन। खरीदने के लिए कहा था ना, तो वो अनिल अंबानी की भी बस की बात नहीं है। माँ, दीदी देखो ना, मैं सब कुछ लेकर आया हूं, तुमने मंगाया था ना। अरे कहां चले गए? तुम्हारे बारे में मैंने सब कुछ पढ़ा, बहुत मेहनत करके ऊपर आए हो और उस तौफिक के भाई का सर काट के जेल गए थे। तुम्हारे प्रति लोगों के अंदर जो डर है उसके बलबूते पर अपने बड़े साम्राज्य को खड़ा किया है तुमने, करोड़ों जमा किए पर कुछ गलत काम भी किए। चलो जाने देते हैं, पर अब से ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अगर अब से तुम इज्जत से बिजनेस करोगे ना, तो तुम्हारे लिए और हमारे लिए और खासकर जनता के लिए, सबके लिए अच्छा होगा। कहानी तो आपने अच्छी सुनाई है, लेकिन यहाँ पर नहीं, गलियों में सुनाई है। 4 रुपए मिल जाएंगे। मैं जानता हूँ तू सुनेगा नहीं। ओके, तुझे बताना मेरी जिम्मेदारी थी, अब आगे तुम्हारे सारे अड्डे उड़ा दिए जाएंगे। अच्छा है ना सर, उड़ा दीजिए ना, दुर्गंध आ रही है, स्वास्थ्य ठीक रहेगा।
कमिश्नर सर, मैं जानता हूं आप एक अच्छे शूटर हैं। अपने लोगों को फील्ड में उतार दिया आपने, वो कौन है मैं जानता ही नहीं हूं। ठीक, मुस्तक आने दो, तब देख लेंगे। समझदार है। चल ठीक है, मैं भी देखता हूं क्या दिखाकर भाग जाएगा। क्यों सर, मुझे उकसा रहे हैं क्या? मेरी भी यही इच्छा है। आपने तौफीक से शुरुआत की है, मुस्तक नहीं आएगा क्या? और आना भी नहीं चाहिए, यही इच्छा है मेरी। आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, वो आज से तेरे हाथ में है। पर एक बात कान खोल के सुन ले, मैदान में उतरने वाला एक भयानक अग्नि के कुंड की तरह होता है। उसके सामने जो भी आता है ना, वो राख बन जाता है। इतना सबक काफी है। और मर्डर करने वाले बदमाश हैं, उन सब की फाइल निकालो। सुन सुन के मारो सबको। कम ऑन क्विक। ओके सर। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो। ओके सर। लड़की की फोटो आसपास के सारे पुलिस स्टेशन में भेज दो। ये लड़की कौन है पहले आइडेंटिफाई करना होगा। आसपास सबूत ढूंढो। कम ऑन क्विक। रोड पर जितने भी सीसीटीवी कैमरे हैं सबके सब चेक करो। कोई भी सबूत नहीं छूटना चाहिए। सोशल मीडिया पर भी हर जगह पोस्ट कर दो। किसी के पास कोई भी खबर हो तो वो सीधी हमारे पास आनी चाहिए। मैं खुद इस केस को हैंडल करूंगा, सो डोंट रिलैक्स। निकालो, एक एक किक कुंडली बाहर निकालो। छोटा बड़ा कोई भी क्यों ना हो, किसी को किसी कीमत पे मत छोड़ना, चाहे किसी भी तरह के सपोर्ट क्यों ना हो। 48 घंटे में सबको शूट कर देंगे। जो लोग दो बार जेल जाकर बाहर आए उन सब की लिस्ट मुझे दो। सर, दो बार जेल जाकर बाहर आने वाला वो हजारों है सर। तो छोड़ देंगे क्या? वो वहाँ मर्द और औरत में अंतर देखे बिना सबको मार रहा है और हम देखते रहेंगे क्या? बोलो। सबसे पहले लिस्ट मेरे सामने रखो, फिर क्या करना है क्या नहीं वो मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। हम पब्लिक को प्रोटेक्शन दे पा रहे हैं क्या? बोलो। बाहर जाने में शर्माती है मुझे। प्रेस को क्या जवाब देंगे हम? पहले वो लिस्ट लेकर आओ। सर, मुझे मारने से क्राइम खत्म नहीं होगा। मुझे मारने के बाद भी मुझ जैसे न जाने कितने और पैदा हो जाएंगे। हेलो सर, ऑर्डर सर। शूट करके फेंक दो। ओके। ए, क्राइम कभी नहीं मरता, क्राइम करने वालों को मार दिया जाता है। इस बात का दुख मुझे अब हो रहा है कि मैं इस जॉब में क्यों आया हूँ। कोई भी काम करने के लिए ऑर्डर्स की जरूरत पड़ती है। कुछ भी करो तो पहले फोर्स जाती है, रिमांड लेकर बाहर आ जाते हैं और गवाहों को मार देते हैं और मर्डर करके आराम से घूमते हैं। इनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, ये देखकर मुझे गुस्सा आता है। आपको याद है सर, ठीक 6 महीने पहले हम कैसे मिले थे? एसआई, तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, कुछ नहीं बिगाड़ सकता, कर सकता है तू मेरा, पता है ना? हम लोकल गैंग वाले हैं, हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जेल से बाहर आ जाओ, जाओ जाओ, सब लोकल गैंग वाले हैं। कैसे कितने आए, कितने चले गए, क्या करेगा ये सोच। तेरे परिवार को जान से मार दूंगा मैं, तेरे को काट के फेंक देंगे, नहीं छोड़ूंगा। मरने के लिए 50 ml काफी नहीं है, कम से कम 250 ml चाहिए। ऊपर से इसे पीकर तुम मरने वाले भी नहीं बल्कि हॉस्पिटल पहुंच जाओगे। अगर तुमने मरने की सोच ही ली है तो जाकर 250 ml लेकर आओ। मेरी मौत आपको मजाक लग रही है क्या? क्यों, ऐसा नहीं है क्या?
फिर मरने से समस्याओं का हल भी नहीं मिलता। ये सब चीख चीख के कह रहे हैं, मार्क्स कमाए तो सुइसाइड, माँ ने डांटा तो सुइसाइड, लव में फेल हुए तो सुइसाइड, किसी ने धोखा दे दिया तो सुइसाइड, और बिजनेस में लॉस हुआ तो सुइसाइड। और तो और फेसबुक में पोस्ट पर अगर लाइक कम आई तो ऐसे सिली रीजन के लिए भी सुइसाइड कर लेते हैं लोग बाग। और तुम भी सुइसाइड करने की सोच रहे हो ना, तुम पर भरोसा करने वाले माता पिता के बारे में सोचो जरा। आज अपने माँ बाप के बारे में सोच रहा हूँ इसलिए तो मरने जा रहा हूँ ना। ये बताओ हुआ क्या है? मेरे परिवार को बर्बाद कर दिया सर, किसने किया ये भी नहीं जानता। कोई और नहीं, इस सिटी में बिना डरे और रेप करने वाले वो लोग कौन है पता है? वो सब तौफीक खान के गैंग वाले हैं। इतना सब पता होने के बावजूद भी ये पुलिस वाले लोग क्या कर रहे हैं सर? वो चाहे कितने भी शातिर हो, मैं उनसे ज्यादा बड़ा शातिर हूँ। मैं इस सिटी का कमिश्नर हूँ। तो आप ये सब जानने के बाद भी शांत है, आप सबको मार क्यों नहीं देते हो सर? सुनो मिस्टर, कानून ने मुझे थोड़ी लिमिट में रखा है। एक पुलिस ऑफिसर के तौर पर मैं उन्हें अरेस्ट करके रिमांड में ले सकता हूँ। उसके बाद क्या होगा? कोर्ट कचहरी सबूत ये सब बकवास चलती रहेगी। फिर चाहे किसी को भी अरेस्ट कर लो, एक घंटे में फोन आ जाता है। फिर चाहे एमएलए हो, मंत्री हो या सीएम क्यों ना हो, क्या कर सकते हैं? वो पावर में जो है वो जो कहेंगे करना पड़ेगा। रूल्स ही कुछ ऐसे हैं। पर हाँ, तुम्हारे साथ जो अन्याय हुआ है वो सच में बहुत बुरा है। जैसा मैं कहूं वैसा करोगे? अगर करोगे तो तुम पर जो अन्याय हुआ है ना उसका बदला ले पाओगे। बताइए सर क्या करना होगा? अगर आप मेरा साथ देते हो तो मैं कुछ भी करूंगा। उस तौफीक खान की गैंग में एक गांजा बैच है। ये लोग ज्यादातर रेप केस में इन्वॉल्व होते हैं। उनमें से कुछ को मैं 5 महीने के लिए अंदर डाल देता हूँ। तब तक तुम उस तौफीक खान की गैंग में घुसकर उसके और शंकर यादव के बीच जो झगड़े उसको और उकसा देना। शंकर यादव से संबंधित सारी इन्फॉर्मेशन मैं तुम्हें देता हूँ, वो तुम उसको दे देना। उसका भरोसा हासिल करो और उसकी गैंग में अपनी जगह बनाओ। मेरी इतने साल की सर्विस में पहली बार मैं कानून को बाहर से चला रहा हूँ। सीधी उंगली से घी नहीं निकलता है। कुछ भी कहो, लेकिन मुझे तो एक चीज चाहिए, सिटी की शांति और पूरी तरह की सुरक्षा। मेरी लाइफ भी आपकी तरह थी और मैं सोचता था कि मैं क्यों जिंदा हूँ। उस दिन आपने मुझे मरने से बचा लिया। आज मैं जो कुछ भी हूँ वो सब आपकी वजह से। मेरे परिवार जैसा अन्याय किसी और परिवार के साथ नहीं होना चाहिए। बस मुझे वो लिस्ट दे दीजिए सर, मैं किसी को भी नहीं छोड़ूंगा। बिना दया किए उन 11 लोगों को मार दूंगा। ऐसे काम करने के लिए आपके डिपार्टमेंट ने आपको रोका है, लेकिन मुझे किसी तरह की रुकावट नहीं है। एक मर्डर करो या 100 मर्डर करो, सजा तो एक ही होगी। आपने ही कहा था ना सर, ऐसे कमीनों को मार देना ही चाहिए सर। एक बार वो लिस्ट दे दीजिए, मैं उन्हें खत्म कर दूंगा सर। दे दूंगा, पर इन सब में अगर तुम्हें कुछ हो गया तो क्या होगा? इससे पहले तुम्हारा कोई नहीं था, सब मारे गए, पर अब तुम पर भरोसा करने वाली एक लड़की है। बस इसीलिए थोड़ा डर लग रहा है। अब तक आपने मुझे पूरी तरह समझाई नहीं है। मेरा और दीप्ति का प्यार होम मिनिस्टर को देखा नहीं जा रहा है, ये सब उसी का किया कराया है। होम मिनिस्टर और उस लड़की का क्या कनेक्शन है? है सर। वो कैसा लिंक है? है, होम मिनिस्टर का एक पीए है और उसका सारा इलीगल काम वो जानता है। उसकी वीकनेस वो लड़की है। दीप्ति से कहा उससे प्यार करो तो वो भी पकड़ा जाएगा और इसकी करतूतें भी बाहर आएंगी। होशियार रहना, वो तौफीक तुम पर कब हमला करेगा कुछ कह नहीं सकते। उसे मैं चांस ही नहीं दूंगा सर। सुनो, इस समय पे अपने ईगो को साइड में रख दो। एक साल में इलेक्शन आ रहा है, हम सबको अलर्ट रहना होगा। अगर मैं जीता तो तुम सबका भला होगा। पता है मिनिस्टर साहब, तुम जैसे नेता हम जैसे गुंडों का हमेशा इस्तेमाल करते हैं और हमेशा सेफ रहते हैं,
हम अच्छे से जानते हैं। ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? ए तौफिक भाई, क्या बात है आजकल? तुम्हारे गैंग में बहुत सारे लोग मर रहे हैं, ऐसा क्या हो रहा है? वो पुराना सेटलमेंट है सर, छोड़ दीजिए, नया बताइए क्या करना है। मुझे लोगों के दिल में डर पैदा करना है, या उनको साफ करना है, या फिर मुझे उनके बैलेट बॉक्स को बदलना है, बताइए क्या करना है। अरे वो पुराना स्टाइल है, अभी सब अपडेटेड हो गए, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम, सब नई टेक्नोलॉजी है। तौफिक भाई, इलेक्शन वाले दिन तुम्हें अपने एरिया में लफड़ा करवाना है, कम से कम पांच लोग मरने चाहिए। शंकर भाई, तुम्हें अपने एरिया में धर्म के नाम पे दंगा करवाना है, शॉप, रेल, बस सब कुछ जलाना होगा। लोगों को पता चलना चाहिए कि ये सब कुछ मैं कर रहा हूँ। पुलिस वालों के पास भी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। इस डर के कारण लोग आपकी पार्टी को वोट करेंगे और एक हफ्ते बाद पुलिस वाले हमें जेल में डाल देंगे। आपको तो एक अच्छा पद मिल जाएगा, एसी रूम में रहेंगे, सिक्योरिटी रहेगी, अच्छी कमाई होगी, वगैरह 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 वगैरह। क्या प्लानिंग है सर आपकी? मैं नहीं करूंगा सर। सर ये कैसा लग रहा है, शादी मेरी और सुहागरात आप करेंगे? यादव, मेरी अपनी एक पॉलिसी है, मेरे आंगन में लगा पेड़ सिर्फ शुद्ध हवा दे ये काफी नहीं है, मुझे हवा भी चाहिए और फल भी चाहिए, और पेड़ के सूखने के बाद उसकी लकड़ी भी मुझे चाहिए। लगता है तू समझ गया है, बहुत होशियार है तू। सर फोन। कौन है? हेलो। ओके ओके। हो गया, तुम्हारे तालाब का पानी कोई और लेके जा रहा है, वो जो भी है उसे शिकार कैसे करना है पता है, पानी जैसे जैसे कम होगा मछलियां बाहर आ जाएंगी। ये सब प्रभु की लीला है। अपने आदमियों को कोई मार रहा है भाई, आप कहां पर हो भाई? तौफिक भाई, अपने लोगों को कोई मार रहा है भाई, शूट कर रहा है, आप कहां हो भाई? हिसाब बैलेंस सब निपट गया ना, तुम्हारी गैंग में कोई जिंदा बचा क्या? ये सब ऊपर चले गए। और हाँ तौफीक, तेरा हिसाब क्या है? मैंने जो हिसाब किया था उसके हिसाब से तो हिसाब बराबर हो गया भाई, अब मैं नहीं करूँगा। जो भी मेरे आदमियों को मार रहा है वो कोई मामूली इंसान नहीं है, उसका जिगर, उसकी आँखें और उसका मन और उसकी बॉडी एक उबलता हुआ गर्म लावा है, लावा। अगर उसके सामने गए तो भस्म हो जाएंगे हम लोग। गलत ही समझ के मैं तो पीछे हट रहा हूँ भाई, हाँ मैं तो ड्रॉप हो रहा हूँ भाई। हाँ अरे ओ तौफिक, मैं
इनमें से किसी को नहीं छोड़ूंगा। इस यादव, उसको और सबको मार डालूंगा। ये बात मुझे यही चाहिए तौफीक। वो बेवकूफ यादव तो बेवजह का डर रहा है। मिनिस्टर साहब, मुझे आपका सपोर्ट चाहिए। तुम्हें क्या चाहिए बताओ, मेरा पूरा सपोर्ट तुम्हारे साथ है। मैं उन सबको खत्म करके ही वापस आऊंगा। हम जीतते हैं तो इन जैसे गुंडों के कारण। हमारे लिए ये लोग सोने का अंडा देने वाली मुर्गी है। हर तरफ से हमारा ही फायदा है। आम क्या आम, गुठलियों के दाम। लेकिन ये बता, ये यादव अचानक से कैसे बदल गया? सर, उसका इस धरती से अब जाने का समय आ चुका है। तुझे ऐसा लगता है क्या? हाँ सर। क्या कहा? हाँ सर। गुंडागर्दी के चक्रव्यूह में आदमी घुस तो सकता है पर निकल नहीं सकता, क्योंकि वो सिंगल वे जो है। ऊपर जाना है ना सर। तू बहुत समझदार हो गया है। पहले इलेक्शन फंड के लिए सब लोगों को फोन करके लाइन पे ले। हेलो। अच्छे से बात करना। हेलो स्वीटी। बेबी, इतने दिन हो गए सिर्फ फोन पर ही बात करोगे क्या? बस कहते ही रहते हो, मिलते तो हो नहीं कभी। आज तो कम से कम पार्क में आकर मिल सकते हो ना? आ जाओ ना स्वीटी। बेबी, पार्क में जाकर एंजॉय करने की उम्र तुम्हारी है, उसी पार्क में वॉचमैन की नौकरी करने की उम्र है मेरी। वैसे भी अगर पार्क में हम दोनों जाएंगे तो आसपास के लफंगे जिस नजर से देखेंगे उसे मैं सह नहीं पाऊंगा। उस नजर का मतलब तुम्हें शायद पता नहीं होगा पर मुझे क्लियरली पता है, बहुत बुरा लगता है। फिर तुम ही बताओ स्वीटी, क्या करेंगे? मेरा तो बहुत कुछ करने का मन है लेकिन क्या करूं? वो मिनिस्टर मेरी जान खा रहा है, बिल्कुल भी मान नहीं रहा। एक साल में इलेक्शन है। मैं टेंशन सह नहीं पा रहा हूँ। तो फिर आ जाओ ना स्वीटी, मेरी गोद में सर रख कर रिलैक्स हो जाना। अरे यार, तुम्हारी बातें सुनकर मेरे दिल में बहुत कुछ हो रहा है। इस मिनिस्टर को तो मैं बाद में देखूंगा, पहले तुम्हारे पास आऊंगा, समझ गई ना? भले ही धरती उलट पुलट क्यों ना हो जाए, मैं तुम्हारी गोद में सोऊंगा। व्हाट्सएप पर लोकेशन सेंड कर रही हूँ, आ जाना स्वीटी। चिपक 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 आ रहा हूँ। इतना रोमांटिक होना काफी है ना, या फिर और चाहिए? सर, मिनिस्टर जी की फ्लाइट टिकट कंफर्म हो गई है सर, एक बार आप चेक कर लीजिए सर। तुम जाओ, मैं बाद में बात करता हूँ, जाओ जाओ। हाय बेबी। आज होम मिनिस्टर जी इलेक्शन में जीतने के लिए कुछ ऑफर्स बताएंगे, इसीलिए आप सब लोग ध्यान से सुनिएगा। इस बार जीतने के लिए आप सबको भारी पैकेज दे रहे हैं। सर, आगे क्या करना है आप ही बताइए। दुकानें बंद करवा दो, बसों को जला डालो, जरूरत पड़े तो लोगों को भी मार डालो। बस एक ही टारगेट है, वो है मेरी जीत। बस जलाओगे तो 1,00,000, बाइक जलाओगे तो 10,000, दुकानों पे पत्थर फेंकोगे तो हर पत्थर के 2,000। अपने सारे लोगों को बता दो, सब कुछ चुपचाप हो जाना चाहिए, यहाँ बस एक ही टारगेट है और वो है हमारी जीत। और ऑफर भी है, बदन पे केरोसिन डालने वाले को 50,000 दूंगा, पुलिस वालों पे पत्थर फेंकने वाले को 4,000 दूंगा। ऐसा लगना चाहिए कि ओपोजिशन ने किया है, हमें सेफ गेम खेलना है, बस जीतना ही हमारा टारगेट है। सर, 15,000 यूथ मेरे साथ हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट मुझे दे दीजिए सर, थोड़ा एडवांस दे दीजिए। अगर आपको प्रूफ चाहिए तो मीडिया वालों को दिखाऊंगा सर, उसके बाद बचा हुआ बैलेंस दिलवा दीजिए सर। वेरी गुड। हमारे पास 30,000 लोग हैं,
अलग अलग ग्रुप में जाकर बलात्कार करेंगे, मर्डर करेंगे और छेड़खानी करेंगे। तुम्हारे पास गुंडों के अलावा है कौन? अंदर कैसे आ गए? ओ आप हैं। जब पहली बार पार्क में देखा था तब आपके बाल बड़े थे। उस दिन कौन सा विग पहन कर आया था? हे, तुमने ठीक से देखा नहीं, यही थे। उस दिन हवा से खड़े हो गए होंगे, अभी ये सोए हुए हैं। एनर्जी ड्रिंक लेकर आती हूँ। कहाँ पर हूँ मैं? जहाँ पर होना चाहिए वहीं पर है। तू कौन है बे लफंगे कहीं के? वैसे मेरी बेबी कहाँ है? बेबी कहेगा? ए, इतने देर में बदल गई क्या? पलंग पर बांध कर मारोगी ये सोचा था, लेकिन कुर्सी पर बांध कर क्यों मार रही हो? बता क्या बताना है बे तुझे? अरे समझ में आ गया, प्यार ने मुझे धोखा दे दिया। लैला मजनू, देवदास पार्वती, आरजेडी श्रीदेवी की तरह अब मैं भी। क्योंकि ये प्यार नहीं है, हवस है। ए, मिनिस्टर के सारे इल्लीगल काम तू अच्छे से जानता है, इज्जत से बता दे। अरे तो मारने की जरूरत क्या है, पहले ही थप्पड़ से मुझे तारे नजर आ रहे हैं, अब और मार नहीं खा सकता मैं। उन्होंने जितने गलत काम किए हैं वो सारा का सारा मैंने एक फोन में रिकॉर्ड किया है। ये लो। साथ लेकर चल रहा है क्या? क्या करूं, अपनी बीवी पर भरोसा नहीं करता, इसीलिए मैं अपने पास रखकर घूम रहा हूँ। वो तुम्हारे इस तरह काम आएगा, मुझे क्या पता था। मुझे छोड़ दोगे तो मैं हॉस्पिटल में भर्ती हो जाऊंगा। होम मिनिस्टर के जेल जाने के बाद ही तू बाहर आएगा। अरे ए, कम से कम पानी तो दे दो यार। अरे सिगरेट बीड़ी कुछ तो दे दो, मेरा पूरा मुंह सूख रहा है यार। अरे बिरयानी के चक्कर में दाल भी गई, अब क्या करूं। अरे मैं इतने सालों से राजनीति में हूँ और तुम सिखाओगे मुझे? अच्छा वो सब छोड़ो, सारे पैसों को जमा करके 5 साल के बाद हम सब बांट लेंगे, ठीक है ना? कुछ लोगों को दोगे तो बाकी लोगों का क्या होगा? अभी इलेक्शन खत्म होने के बाद जीतने वाले नेता का फोटो लगाकर हम धंधा नहीं करेंगे। वो सब छोटे मोटे काम है, इससे किसका भला होगा? अच्छा छोटे मोटे, वो कोई कंपनी खोलेगा और लोगों का पैसा हड़प लेगा, तो हम क्यों ना करें कि उसे लेकर आते हैं और उसे धमका कर पैसा हड़प लेते हैं। रेप करने वालों को, मर्डर करने वालों को इस तरह ऑफिस में बिठा कर इस तरह सेटलमेंट करके पैसे लेते हैं क्या? ए, ये सब तो आम बात है। जीतने के बाद हमारी फोटो रख के इस मिनिस्टर को जानता हूँ, उस मिनिस्टर को जानता हूँ बोल करके पैसा नहीं कमाते हैं क्या? पहले मैंने जो कहा वो शुरू करो। अब कुछ भी स्टार्ट नहीं होगा, सब कुछ बंद होगा। बंद करना? ये क्या है, इन सब में इस बार डिपार्टमेंट का भी हाथ है क्या?
सबूत की जरूरत होगी ना सर? सारे सबूत कोर्ट में सबमिट कर दिए हैं। अरेस्ट वारंट के साथ आया हूँ मैं। चलो इज्जत से आओगे, हथकड़ी पहनाओ। ये सब बताने वाले अमिताभ बच्चन को मेरा तौफीक खान नहीं छोड़ेगा। सर, उस होम मिनिस्टर से रिलेटेड सारा डेटा इस फोन में है। उस पीए को दो खींच कर लगाए तो उसने सब उगल दिया। आपने जो काम मुझे सौंपा था वो आधे घंटे में खत्म कर दूंगा। उसे सजा आपको ही दिलानी होगी सर। अकेले बिल्कुल भी मत जाना। वैसे भी हमने होम मिनिस्टर को अरेस्ट कर लिया है। उस गैंग के सारे लोगों को हम सजा दिलाने की कोशिश करेंगे, तो तुम बिल्कुल भी रिस्क मत लेना प्लीज। इसी समय की मैं राह देख रहा था और आप मना क्यों कर रहे हो सर? एक एक को नाम से बुला बुला कर मारूंगा सर। देखो प्लीज तुम मत जाओ, मैं तुम्हारे बिना नहीं जी पाऊंगी। सर, एक एक को नाम से बुला बुला के मारूंगा। प्लीज हमारे बारे में भी सोचो ना। मैं जरूर लौटूंगा और हमारे सारे सपने भी सच होंगे, तुम्हारी कसम। ए, भाभी का ध्यान रखना। भाई मैं भी जाऊंगा भाई। तू मेरी फिक्र बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि गलती से भी अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं बिल्कुल सह नहीं पाऊंगा। जाने दो बहन, इनका जन्म गुंडों को मारने के लिए ही हुआ है। मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी। बस समझ लो, इसी दिन की मैं बहुत दिनों से राह देख रहा था। अमिताभ बच्चन, दुर्गा माँ की कसम, सब बंद कर दिया मैंने। मेरे आदमी उसके गैंग में नजर आए तो मार देना। ए तौफीक सुन, तू तो गया रे। फिर तू मुझे ढूंढते हुए आ ही गया। आज मैं तुझे मिट्टी में मिला दूंगा। आ! ए! Ah!